नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है आज, और किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रुझान आज कम्युनिटी बाजार का मंदी की ओर रहेगा या तेजी की ओर, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1,814 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट है। सिल्वर $23 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 2% की गिरावट आज सिल्वर के अंदर देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आज एक नरमी देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो नरमी है ये बीते कारोबारी दिन ही देखने को मिल गई थी, जो पहले कारोबारी दिन था तभी से हमने देख लिया था कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी बनती नजर आ रही है। दरअसल जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं और जो डॉलर हैं उनमें घटबढ़ के चलते सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें कभी मंदी तो कभी तेजी बनती नजर आ रही है। इससे पहले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले हमने देखा था कि जो सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें सेफ हेवन डिमांड बनती नजर आई थी, सुरक्षित निवेश मांग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने सोने चांदी की कीमतों में तेजी बनती देखी थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि आज यहाँ पर हल्की सी मंदी देखने को मिली है। दरअसल जो डॉलर है वो एक महीने के ऊंचे स्तर पर देखने को दरअसल जो डॉलर है वो एक महीने के ऊंचे स्तर पर है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में आज नरमी देखने को मिल रही है। फेड के जो बैठक हुई थी, जो उसमें जो डिसीजन निकल के सामने आया है, फेड ने ये कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दरें हैं, उनमें आने वाले समय में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है और जो डॉलर है वो उठता नज़र आ रहा है और एक महीने की ऊँचाई पर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा सोने चांदी में, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आज एक नरमी देखने को मिल रही है, पहले के मुकाबले जो प्राइसेस हैं वो और थोड़े डाउन जाते नजर आ रहे हैं। चांदी में 2% की गिरावट है, वहीं गोल्ड में भी 0.25% की गिरावट है जो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, क्या अब यहाँ से फेड की बैठक के जो बयान के बाद जो अब डिसीजंस आए हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, आ गया फेड ने भी खुद बोल दिया है, तो क्या ऐसे में अब सोने चांदी में यहाँ से नरमी का रुझान चालू हो गया है? देखिए, बिल्कुल जो अभी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है वो फेड के बयान के बाद से ही हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट का हाइट को लेकर बयान आया है कि एज सून एज पॉसिबल जल्दी जो है वो इसको बढ़ा देंगे, मार्च 2022 तक में भी इसके अंदर इंक्रीमेंट किया जाएगा। और इस बयान के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, और मॉनेटरी पॉलिसी के टाइट होने के चलते स्टॉक्स में और बॉन्ड्स के अंदर भी हमें थोड़ा सा उसके अंदर एक बाइंग आते हुए हमने देखी है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा दबाव जो है इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो एशियन मार्केट्स आज काफी डाउन खुलते हुए दिखाई दिए हैं। और अभी सोना और चांदी की अगर बात करें तो देखिए, ये जो बयान आया है इसके बाद से हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से बाउंस बैक बनता हुआ दिखाई देगा सोने के अंदर। क्योंकि देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो इट मींस डॉलर के अंदर वीकनेस आती हुई दिखाई दे सकती है, और जिसका सीधा असर हमें सोने और चांदी की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाजारों में प्रेशर जरूर बना है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड 1800 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, वहीं चांदी भी $23 सेंच के आसपास एक बार सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में जरूर गिरावट है मार्केट के अंदर और ये गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी इसके अंदर बाइंग का ही है, और मुझे लगता है कि अगेन इसके अंदर जो है वो बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। $1800 एक अहम सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक सोना और चांदी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि बाजारों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है $1800 के आसपास। यानी कि घरेलू बाजारों की बात करें तो 48,000 के आसपास एक बार सपोर्ट आता हुआ दिखाई सकता है। जी, तो यानी कि छोटी अवधि में भले ही जो करंट सिनेरियो बनता नजर आ रहा है उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं उनमें भले ही नरमी देखने को मिले छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन अगर वहीं से बात करें अगर लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में रूपा जी के अनुसार अभी भी तेजी का ही रुझान है, लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश में रहा जा सकता है। वहीं छोटी अवधि में थोड़ा यहाँ पे सोने चांदी कीमतों में अभी एक नरमी बनती नजर आ सकती है, दबाव बनता नजर आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट के चलते।
ये सुरपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि WTI $86 पर है 1% की गिरावट के साथ, ब्रांड क्रूड ऑयल $87 पर है 1% की गिरावट के साथ। रूपा जी देख रहे हैं जो सप्लाई है वो अभी भी डिस्टर्ब चल रही है, और हम देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसकी वजह से भी, जो UK और रशिया के बीच में जो वॉर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से भी कच्चे तेल की जो सप्लाई है और जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है यूरोप को वो भी बाधित हो रखी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कच्चे तेल में क्या यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, अभी फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी भी आज आप देखिए घरेलू बाजारों में कच्चे तेल में फिलहाल खरीदारी देखने को मिल रही है और विदेशी बाजारों में आज हल्की करेक्शन जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और कच्चे तेल में देखिए जब तक डिमांड और सप्लाई का कंसर्न बना रहेगा तब तक कच्चा तेल तेजी की तरफ ही है। और मुझे लगता है कि आज जो 1% की गिरावट हम विदेशी बाजारों में देख रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ सकती है, 86 तक जा सकती है, लेकिन वहां से अगेन सपोर्ट हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट को। और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार $90 तक जो है WTI जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि आज जो बाजार है ठीक ठाक खुलता नजर आया, ना ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है ना ही ज्यादा मंदी। आपको क्या लग रहा है ये कारोबारी सप्ताह बेस मेटल्स के लिए कैसा रह सकता है? देखिए बेस मेटल्स में अखिलेश मेरे हिसाब से तो अभी पॉजिटिव ही है रुझान, करेक्शन जरूर बनी है मार्केट के अंदर और ऊपरी स्तरों से बाजार फिसले जरूर थे लेकिन वापस से बाउंस बैक आया है। आप निकल को देखिए अगेंस्ट जो 1700 के नीचे लुढ़क गया था वो वापस से 1700 के पास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बेस मेटल्स में तो जब भी करेक्शन आए उसमें बाइंग में ही रहना चाहिए। निकल भी अभी 246 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, आज हल्की से लाल निशान के साथ है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें बाइंग में रहना चाहिए। बेस मेटल्स के अंदर जो भी करेक्शन मिलती है उस करेक्शन में खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि करेक्शन के अंदर आज कच्चे तेल में खरीदारी की जा सकती है और बेस मेटल्स में खरीदारी करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की,